हेलो दोस्तों, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आज 15 फरवरी 2021 का दिन था और आज ही के दिन कॉर्बेट नेशनल पार्क की नाइट स्टे की बुकिंग ओपन हुई थी अप्रैल 15 टू अप्रैल मई 15 तक के लिए। ये जो बुकिंग ओपन हुई थी तो सुबह ही मैं बैठ गया था 10 बजे से पहले अपने लैपटॉप पे। आपको पता है मैंने कितने अटेम्प्ट किए बुकिंग कराने के लिए? मैंने पूरे 6 अटेम्प्ट किए और 6 के 6 अटेम्प्ट क्लियरली फेल हो गए। सबसे पहले मैंने ढिकाला का हटमेंट के लिए बुकिंग की थी, एक रूम विद एक्स्ट्रा मैट्रेस। हम 3 पर्सन है जो जा रहे हैं, 3 दिन के लिए, लगातार 3 दिन के लिए बुक करना था मुझे इस बार। वहां पर 14,000 कुछ का बिल था मेरा, जो कि लास्ट में पेमेंट हो गया, बैंक से कट गया और स्टक हो गया और बाहर आ गया। वेबसाइट पे क्या लिखा रहा था दिखा देता हूँ। ये लिखा आता था बार बार, ये आता था कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ऑनलाइन बुकिंग सर्विस, उप्स समथिंग वेंट रॉन्ग, वी अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज, क्लिक हियर टू विजिट अस अगेन। बार बार ये आ रहा था तो फिर दोबारा से ट्राई करता था। हालांकि क्योंकि ये बहुत हार्ड है, अपना नाम भरना पड़ेगा, अपना आधार कार्ड, अपना नंबर, मोबाइल, तीनों पर्सन का धीरे धीरे सब कुछ भर के बहुत टाइम लगता है। मेरे ख्याल से एक बुकिंग करने पूरा प्रोसेस में 5 मिनट लग जाती है और लास्ट में ये हैंग हो जा रहा था। कभी मोबाइल पे ओटीपी लेट आ रहा था, कभी कुछ हो रहा था, नहीं हो पाया मुझसे। और देखते देखते हटमेंट में जो 6 हटमेंट के रूम थे, तय कितने रह गए, मेरे सामने 5 हुए, 4 हुए, 3 हुए, 2 हुए और 0। लगातार 3 दिन की बुकिंग चाहिए थी। फिर हमें डिफिकल्टी आ गई, लगातार 3 दिन में रूम नहीं मिल पा रहा था। कभी किसी का बीच में 0 हो गया था, किसी डेट का आगे का मिल पा रहा था फिर बीच में 0 हो गया था, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। फिर हम रूम सब खत्म हो गए मेरे देखते देखते, मैं 10 बजे से लगातार रुके थे, 11:08, 11 बजे तक रूम थे, उसके बाद रूम खत्म हो गए थे, 1 घंटे में रूम खत्म हो गए थे धीरे धीरे। फिर डोरमेट्री खत्म होनी शुरू हो गई, डोरमेट्री पे आ गया, डोरमेट्री बुक करने लगा और फिर डोरमेट्री भी खत्म होने शुरू हो गई। 12 रूम होते हैं डोरमेट्री में ढिकाला में, मेरे सामने 10 हुए, 8 हुए, 5 हुए, 2 हुए, 1 हुए और फिर 0। फिर मान लो मैं लगातार 1, 2, 3 तारीख की बुकिंग कर रहा हूँ सपोज, तो 1 तारीख में डोरमेट्री मिल रही है हमें, 3 रूम 3 बेड है, लेकिन 2 तारीख में 0 है, बन नहीं पा रहा कंटिन्यूटी। तो जो मेरे सब्सक्राइबर फ्रेंड हैं कोलकाता से, मैं उनके साथ जा रहा हूँ, तो उन्होंने भी अपना ट्राई किया, उनसे भी 3-4 बार बुकिंग हुई, फेल होती रही। वो तो लॉगिन भी नहीं कर पा रहे थे, उनका लैपटॉप मना ही कर रहा था, हो सकता है आईपी एड्रेस भी डिटेक्ट कर देता, सस्पिशियस में डाल देता है बार बार लॉगिन करने से। ऐसा लगता है कॉर्बेट को कि कोई एजेंट है जो कि बहुत सारी बुकिंग करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर उन्होंने बुक करने ही बंद कर दिया। लेकिन फिर बाद में फाइनली डोरमेट्री हमें किसी तरह से मिल गई, उन्होंने बुक कर लिया और बुक हो गया, और 3 दिन मेरा ढिकाला बुक हो गया है, 1 दिन गैरल, 4 रात में कॉर्बेट में बिताने वाला हूँ, डेट नहीं बता पाऊंगा मैं। दोस्तों मजा आने वाला है, मजा मई में मिलते हैं ढिकाला में, बहुत बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री बनने वाली है, इससे पहले कभी ना बनी हो। पूरा बैकअप ले जाऊंगा बैटरी का, कैमरे के लिए मेमोरी कार्ड ले जाऊंगा। और हाँ, अभी तो मेरे 14,000 वो पैसे फंसे एक बार, फिर 6,000 दोबारा से फंसे जब डॉर्मेट्री बुक कर रहे थे, फिर 6,000 फिर से फंसे। तो फिर हमने 3 अलग अलग बुकिंग करी, 2 दिन की ढिकाला की करी, वो अलग से पैसे दिए, फिर 1 और दिन की, 3रे दिन की ढिकाला की करी, और 3 दिन से एक पहले दिन जो कि गैरल की उसकी अलग करी, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पड़ गया हमें, जो कि मतलब अगर एक साथ करते 3 दिन का तो थोड़ा सस्ता पड़ता, 1,000 रुपये का अंतर है। मान लो हम एक साथ कर रहे थे डॉर्मेट्री 3 दिन के लिए, तो 6,500 रुपये में पड़ रही थी 3 बेड, और फिर 7.5 में पड़ी क्योंकि 2 दिन की हमने ढिकाला की करी, फिर 1 और ढिकाला की करी। फिलहाल हमारे 10,000 रुपये में 4 दिन के लिए डॉर्मेट्री बुक हुई है, 1 दिन गैरल, 3 दिन ढिकाला, 3 पर्सन के लिए 10,000 में। तो एक बंदे पे जो एक्सपेंस आया है 3,333 के लगभग आ गया है, 4 दिन जंगल में बिताने हैं। अब टास्क आता है जीप सफारी का, कि जीप सफारी कितने में होगी अब हमारी, देखते हैं, क्यों देखते हैं हमारी जीप सफारी कितने में हो पाती है, उसका भी मैं धीरे धीरे आपको बता दूंगा। तो बहुत रिलैक्स महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा था कोई जंग पे गए हैं हम। पूरा 12 बजे तक बुकिंग हुई है, मेरा कैमरा ये बार बार ब्लर कर रहा है, पता नहीं क्यों। फाइनली बुकिंग हो गई है और मेरे बहुत सारे पैसे फंस चुके हैं। कॉर्बेट की वेबसाइट पे तो आपको दिखा होगा, बुकिंग में हिस्ट्री में जाएंगे तो बुक्ड एंड नोट बुक्ड के 2 सेक्शन आते हैं। हिस्ट्री में नोट बुक्ड में वो वाली बुकिंग दिखाता जो नहीं हुई है, और उसमें आपको ट्रांजेक्शन आई डी है जो कि आपको कस्टमर केयर पर फ़ोन करके नोट करवानी पड़ती है। तो मैंने कस्टमर केयर पर आज फ़ोन किया 3-4 बजे, उनको पूरी 6 की 6 ट्रांजेक्शन आईडी लिखवाई। उसने पूछा इसमें से आपकी पेमेंट कितनी में से कटी है, मैंने कहा भाई पेमेंट शायद 4 बार कटी है, 5 बार कटी है, 1-2 बार नहीं कटी, तो वो भी आप देख लेना, पर मेरी 6 की 6 ट्रांजेक्शन आईडी आप लिख लो। तो फिलहाल उसने बोला टाइम लग जाता है इसको रिटर्न होने में, 10 से 15 दिन भी लग जाते हैं, 20 दिन भी लग जाते हैं, इतना लग जाता है। पर फिलहाल मेरी ड्यूटी थी सबसे पहले उनको इन्फॉर्म करना, मैंने इन्फॉर्म कर दिया, अब जल्दी से जल्दी जब भी पैसे आएंगे 2-3 हफ्तों में आ जाएंगे, 20-30 हज़ार रुपये मेरे फंस चुके हैं। तो इस तरह से नॉर्मली आपके 20-30 हज़ार फंस जाते हैं, उधर से जो मेरे सब्सक्राइबर फ्रेंड हैं कोलकाता से, उनके भी इस तरह से 2-3 बार पैसे फंस चुके हैं,
उन्होंने भी अपनी कंप्लेन लिखा दी है, वापस आएंगे। ये नॉर्मल चीज़ है ढिकाला की जब बुकिंग करते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क की, नाइट स्टे की बुकिंग करते हैं, क्योंकि इनकी वेबसाइट का जो सर्वर है जब हम पेमेंट करते हैं तो वो कंपेटिबल नहीं है, बीच में ब्रेकडाउन हो जाता है, क्या होता है क्या नहीं होता, बहुत ही मुश्किल है। आपने देखा किसी भी खूबसूरत जगह जाना इतना आसान नहीं है। अगर ये इतनी ही आसानी से मिलता ढिकाला तो सब ना चले जाते, तो मुझे अच्छा लगता। आई लाइक दिस कॉम्पिटिशन, आई लाइक दिस अनप्रेडिक्टेबिलिटी, कि ये नहीं पता कि बुक होगा। हम पहले से प्लानिंग नहीं कर रहे थे कि क्या करेंगे, बस हमारा में यही था कि भाई पहले एक बार टिकट मिल जाए उसके बाद सारी प्लानिंग होगी, पहले एक बार टिकट तो बुक हो जाए। तो फाइनली टिकट बुक हो चुका है, रूम नहीं मिला कोई बात नहीं, डॉर्मेट्री में ही रुकना पड़ेगा हमेशा की तरह। बस यही मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था आज कि कितना मुश्किल होता है। और अब नेक्स्ट बुकिंग खुलेगी 15 मार्च को, वो खुलेगी 15 मई से 15 जून के लिए, लास्ट मौका है, फिर पार्क बंद हो जाएगा 6 महीने के लिए। फिर पार्क खुलेगा नवंबर में, नवंबर 15 को ढिकाला जो डॉर्मेट्री, बाकी जोन तो खुले रहते हैं जैसे कि ढेला, झरना और सीतावनी, ये सब 12 महीने खुले रहते हैं। बस यही मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको आज के लिए, बस ये क्विक अपडेट था 15 फरवरी का। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे बुकिंग मिल गई है, और भाई आपके लिए बहुत ज़बरदस्त कंटेंट आने वाला है। अगर मैं पहले भी कहीं जाता हूँ इस तरफ कोटद्वार वाली रेंज पे, सोना नदी वाली रेंज पे, तो उसका भी वीडियो शायद जल्दी आ जाए एक दो हफ्ते में, और बाई चांस वहाँ नहीं जा पाया तो ये तो मई में आपको मिलने ही मिलने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय। और आजकल मैं डेली ब्लॉग डाल रहा हूँ, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब ना किए हो। डेली मैं शाम को 6 बजे कोशिश करता हूँ कि एक ब्लॉग में आप पब्लिश कर ही दूँ।